Let us now try to understand question number 74. Let's say in a market, a shop seller gets 1 gram for 1 rupee. And he buys 800 grams. जो शॉप सेलर है शुगर्स जो सेल कर रहा है उसने 800 ग्राम्स मार्केट से ख़रीदा तो उसको कितने पैसे लग गए 800 रुपीज़। उसने 800 ग्राम ख़रीदा और वो क्या करने वाला है उसको उसको वो 1000 ग्राम है ये बोल के बेचने वाला है क्योंकि उसके पास जो वेट है वो नकली है कि उसके पास लिखा तो होगा कि 1 किलोग्राम बट एक्चुअल में उसका वेट होगा 800 ग्राम्स। तो उसको ये 800 ग्राम्स जब बेचना है तो वो बोलेगा कि वो 1 केजी का वेट है मतलब वो 1 केजी बेच रहा है ठीक है तो 1 केजी वो बोल के बेचेगा 800 ग्राम्स को कस्टमर को प्लस वो क्या करना है 1000 का 20% मतलब 20/100 इंटू 1000 दो जीरोस कैंसिल आउट दैट इज 200 ग्राम्स। वो इसमें ये 1 केजी के वेट में जब वो वे करेगा तो प्लस 200 ग्राम्स का इम्प्यूरिटी ऐड कर रहा है। इम्प्यूरिटी का मीनिंग क्या है वो बोलेगा फिर से कि ये 200 ग्राम्स असली शुगर है बट होगा ये इम्प्यूरिटी तो इफ़ेक्टिवली वो कितना बेच रहा है 1000 ग्राम्स प्लस 200 ग्राम्स मतलब वो 1200 ग्राम कस्टमर को बेचने वाला है। ये स्टोरी है उसने मार्केट से लेट से 1 ग्राम 1 रुपये में ख़रीदा उसने 800 ग्राम मार्केट से लाया कॉस्ट प्राइस उसको कितनी पड़ी 800 रुपीज़। उसका वेट ऐसा है कि वो 800 ग्राम 1000 बोल के सेल करने वाला है प्लस उसने और 20% 1 केजी का 20% मतलब 200 ग्राम्स इम्प्यूरिटी भी ऐड कर दी। इफ़ेक्टिवली उसने अपना जो माल है अपना जो क्वांटिटी है वो 1200 ग्राम की बना दी। अब जब कस्टमर आएगा तो उसको वो 1200 ग्राम दे देगा बोलेगा कि 1200 ग्राम की ये शुगर है और उससे लेगा कितना पैसा वो बोलेगा कि मैंने जितना मार्केट से ख़रीदा 1 ग्राम 1 रुपया उतना आप मुझे दे दो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कि मैं फ़ायदा नहीं कमा रहा मैं आपको अच्छी डील दे रहा हूँ। ये बोल के वो क्या करेगा कस्टमर से 1200 रुपये लेगा। तो कस्टमर से उसने 1200 रुपये लिए उसने खुद 800 रुपीज़ लगाए तो उसने कमाया कितना ही हैज अर्न्ड 1200 माइनस 800 दैट इज़ 400 रुपीज़। तो उसका प्रॉफिट हुआ 400। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जितना प्रॉफिट हुआ और जितना पैसा लगाया इनटू 100 और अगर आप ये कैलकुलेट करके देखो ये आता है 50%।